नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार आपका एक बार फिर आपके चैनल पे आपका स्वागत है। तो दर्शकों को आप बताइए कि आप आज के इंटरव्यू में आप क्या कहना चाहेंगे धर्म के बारे में। थैंक यू मनीषा जी। प्रिय भाई बहनों, आज हम बताएंगे कि आपको धर्म के बारे में, धर्म क्या है और कैसे हमें इसका लाभ मिलता है। धर्म ना हिंदू बौद्ध है, धर्म ना मुस्लिम जैन। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म ये जो हिंदू मुस्लिम बौद्ध हैं, ये संप्रदाय धर्म, और संप्रदाय मनुष्य को बांटता है, धर्म मनुष्य को जोड़ता है। इतना फर्क है धर्म में और संप्रदाय में। तो धर्म ना हिंदू बौद्ध है, धर्म ना मुस्लिम जैन। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। अगर हमारा चित्त शुद्ध है तो हमारे पास धर्म, पर इसमें विकार भरे हुए हैं, फिर हम धर्म की बात करें तो उसके कोई माने नहीं। तो डॉक्टर साहब, हमारे देश में जी बहुत जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारे लोग आपस में बढ़ चुके हैं, जी तो आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप दर्शकों को बताइए। यहाँ हमारे पास दो चीज़ें, एक धर्म है, एक संप्रदाय है। हमें इन दोनों को समझना है, ये दोनों अलग चीज़ हैं। हम दोनों में कोई एक समझ बैठते हैं, वहाँ पर समस्या पैदा होती है, और वहाँ मनुष्य जहाँ धर्म को जोड़ता है वहाँ मनुष्य बांटता है। जब हम इसको संप्रदाय के रूप में समाज में प्रस्तुत करते हैं, तो धर्म ना हिंदू बौद्ध है, धर्म ना मुस्लिम जैन। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। डॉक्टर साहब, आपने हमें अभी बताया कि हम अपने मन को अगर शुद्ध रखते हैं तो हम धर्म को अपना सकते हैं। तो मैं अगर इस धर्म को अपनाना चाहूँ या कोई भी इसको अपनाना चाहे तो हम अपने मन को शुद्ध कैसे करें, आप ये बताइए। मन है, ये हर समय प्रतिक्रिया करता रहता है, ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, अच्छी बुरी। तो इस मन को इस अच्छे और बुरे के भाव से निकालना पड़ता है, और मन को जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही देखने का अभ्यास करना होता है। और ये अभ्यास हम ध्यान के माध्यम से कर सकते हैं। ध्यान में हम शरीर के ऊपर अपने मन को ले जाते हैं, और शरीर के ऊपर जो जिस समय प्रतिक्रिया हो रही है उसको वैसा ही देख के हम चीज़ों को भी वास्तविक रूप उनका है जैसा वैसा ही देखना सीख लेते हैं, और इस प्रकार हम प्रतिक्रिया करने से बच जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर हम बुद्ध धर्म को अपने जीवन में उतारते हैं तो उसके हमें क्या क्या लाभ है, तो और हम उसे कैसे अपना सकते हैं बुद्ध धर्म को, आप दर्शकों को बताइए। जी जी मनीषा जी, थैंक धन्यवाद। तो पहले तो हम ये जाने कि धर्म क्या है। बुद्ध धर्म मन की शुद्धि का धर्म है। हम अपने मन को शुद्ध करके बुद्ध धर्म को अपना सकते हैं। तो शुद्ध कैसे करें, इसके लिए भगवान ने तरीका बताया। जो ध्यान है, मेडिटेशन है, ये अपने मन को शुद्ध करने का तरीका है, लेकिन इसको अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करने से इसका लाभ हो सकता है। मन को एकाग्र करना है, मन को शुद्ध करना है। तो डॉक्टर साहब, बुद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गाइस, आप ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ खास कुछ अलग लेकर आएंगे जो कि बुद्ध धर्म के बारे में आपको बताएंगे, और डॉक्टर साहब आपसे मिलेंगे। तो थैंक यू मनीषा जी। साधु साधु साधु।